अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं निसान नोट हाइब्रिड के बारे में। उसकी कैलकुलेशन करेंगे जापान ऑप्शन से लेके पाकिस्तान तक क्या कॉस्टिंग आ सकती है। तो इंशाल्लाह उसमें बात करते हैं। 21 मॉडल की मैं बताऊंगा क्योंकि 22-23 मॉडल तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। ड्यूटीज काफ़ी बढ़ चुकी हैं बजट के बाद। अभी ये जो स्क्रीन पर आप शेप देख रहे हैं ये 2024 शेप है। ये भी इम्पोर्ट होगी लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से कोई इम्पोर्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि काफ़ी ड्यूटीज़ बढ़ चुकी हैं और बिल्कुल लोगों की रेंज से बाहर हो चुकी हैं। तो अभी ऑक्शन में मैं चेक कर रहा था तो ये सामने पिक्चर आज मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। बम्पर लाइट्स वगैरह ये चेंज हुई हुई है। पीछे का जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई पिक्चर मिल जाए लेकिन बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही। और उसकी इंशाल्लाह मैं पिक्चर्स जैसे ही आती हैं ऑक्शन में हम चेक कर लेंगे वैसे तो उस पर बात करेंगे। तो कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ और बिल्कुल आप लोग रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपने इम्पोर्ट करनी है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं 0333-9366-392 पे मुझसे बात कर सकते हैं। पेशावर से मेरा ताल्लुक है, मुजम्मिल मेरा नाम है और बिल्कुल आप फिर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी भाइयों को जो है हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। बिजनेस के तौर पे भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह ड्यूटीज़ के हवाले से भी मैं बात करूँगा। काफ़ी दोस्त जो है ड्यूटीज़ का पूछ रहे हैं तो इस वीडियो में उनको ड्यूटीज़ का भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ उनको रफ एस्टिमेट भी मिल जाएगा कि आजकल क्या कॉस्टिंग आ रही है। पहले मैं यहाँ पे इस 2024 को चेक कर लूँ कि कोई पिक्चर्स हमें मिल जाए इसमें, शायद हो यहाँ पे आई हो। आज बिल्कुल मेरे ख्याल से यहाँ पे अवेलेबल है। ये हम खोल लेते हैं कि न्यू शेप किस तरह दिखता है पीछे से। ये जी ये देखिए, पीछे से इतना कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन फ्रंट जो है फ्रंट को जो है चेंज किया गया है। इंटीरियर में भी कोई ऐसा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं हम अपने उस पर क्या कहते हैं 21 मॉडल की कॉस्टिंग पे। इसमें भी मुख्तलिफ वेरियंट्स आए होंगे और पीछे का कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन फ्रंट का। अच्छा जी, यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करते हैं 21 मॉडल को, डायरेक्टली स्टोर प्राइसेस पे आते हैं 3 महीनों के रिकॉर्ड से जो लास्ट वीक्स हैं। लास्ट दो तकरीबन एक हफ्ते तो छुट्टियाँ थी 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। हमने दोबारा जो है ब्रेक स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, ये सर्च पे क्लिक किया, स्टोर पे क्लिक किया जी और यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। अच्छा जी, ये अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ वेरियंट्स आते हैं। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि E13 आपने सेलेक्ट करना है जो कि हाइब्रिड है, बाकी इसके अलावा सारे जो है नॉन हाइब्रिड है। अच्छा जी, ये E13 सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर आते हैं जी, इसमें एक्स है, एक्स को खोल लेते हैं और ये जो अच्छी अच्छी गाड़ी है उसमें चेक कर लीजिए। दो ग्रेड की है, इसको स्किप कर देते हैं। ये वाली एक्स है, इसको चेक कर लेते हैं जी। इसके अलावा ये वाली चेक कर, इसमें सिंपल लाइट्स भी आती हैं, HID लाइट्स भी आती हैं जिसमें DRL और HIDs भी होती हैं। इसमें ये कलर चाहे इतना बुरा नहीं है, ब्राउन है कि मेरून कलर है। ये वाली भी चेक कर लेते हैं और टेक के हम ड्यूटी चेक कर लेंगे। अगर ड्यूटी हमारे पास हुई तो उसकी भी हम साथ में कर लेंगे, ये वाली भी हम साथ में खोल लेते हैं। तो स्टार्ट इस 4.5 ग्रेड से लेते हैं। लाइव व्हील्स भी हैं इसमें और लाइट्स भी अच्छी हैं इसमें, सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। माइलेज भी ओके है, तकरीबन 40,000 चली हुई है। टचिंग नहीं हमने चेक कर लिया। XXX W2 कुछ नहीं है इसमें और स्क्रीन लगी हुई है, गाड़ी ओके है। तो इसको अच्छा, 360 कैमरा भी है साथ में। इसको थोड़ा सा पहले कंफर्म कर लेते हैं, 057-388। तो अच्छा जी, यहाँ पर नहीं आ रही लेकिन यहाँ पे और ये कम कर देते हैं और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। जो भी दोस्त कंफर्म करना चाहता है तो अपना चेसिस और एक वेबसाइट पे डालें और वहाँ से अपनी जो है मॉडल एयर को कंफर्म कर सकें। कंट्रोल आल कर दें, कंट्रोल सी कर दें। फाइंड यहाँ पे ये इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ गाड़ी जो है सस्ती बिकी होती है तो बंदा कहता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे रेट में गई है। असल में वो उसका मसला ये होता है कि वो मॉडल एयर भी इस निकल आता है इस पर होम पे, इसको थोड़ा सा टाइम लेता है। उसको आप टाइम दें तो ये खुल जाता है वेबसाइट जी। बिल्कुल 21 या इसी की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इधर से। अच्छा, 16,38,000 में गाड़ी उठी है। 16,38,000 फ्रेट 240 लगा लें, मल्टीप्लाई करें 1.95। आजकल 1.96 रेट चल रहा है, TT का वापस जो है बहुत बढ़ गया है। 1.8 के तक बाद गई थी, 1.78 तक जो लास्ट गया था, इसके बाद जो है दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। तो 36,80,000 सिर्फ और सिर्फ आपने जापान भिजवा दिए। अब आते हैं जी और ड्यूटी खोलते हैं जी। ड्यूटी शीट मैं खोलता हूँ जी, अपने एजेंट साहब का जो है शीट खोलता हूँ जो रिसेंटली मेरे पास शेयर हुआ है निसान का। मैं सर्च करता हूँ जी कि ड्यूटी हमारे पास एक्स की क्या आ रही है। अच्छा जी, ये अभी जो ड्यूटी है ये कैलकुलेट हुई है 1.75 के हिसाब से, थोड़ा सा हम ड्यूटी ज़्यादा ले लेते हैं इधर।
तो निसान नोट 21 मॉडल के लिए जो ड्यूटी है ई पावर एक्स की, तो ई पावर एक्स की जो ड्यूटी है जी 33,77,000, तो तकरीबन 34,000 आप कैलकुलेट कर लें, 34 लाख जमा 150 अदर एक्सपेंस के डाल दें, पीआरसी का रेट आप 34 लाख की पीआरसी, आजकल पीआरसी का रेट भी बढ़ चुका है, तो तकरीबन आप 3.5 लाख 3,80,000 3,70,000 आप ले लें, तो तकरीबन 76 लाख की आपको ये वाली गाड़ी कॉस्ट करेगी। इससे पहले तकरीबन 62-60 के लगभग ये गाड़ी आ जाती थी, अभी पीआरसी का रेट भी बढ़ गया साथ में, क्योंकि ड्यूटी की अमाउंट बढ़ चुकी है, इस वजह से पीआरसी का तो सारा डिपेंड ही जो है ड्यूटी की अमाउंट पे करता है। अभी आते हैं इस गाड़ी पे, ये 17,58,000 में गई है, 8,000 चलिए 3.5 ग्रेड की, मसला क्या है जी, टचिंग तो कोई नहीं है लेकिन स्क्रैचेस बहुत गहरी हैं इसमें, और गाड़ी है प्यारी। अब मैं चेक करता हूँ अगर ऑटिक की ड्यूटी मेरे पास हुई तो, जी बिल्कुल ऑटिक की ड्यूटी है, सिंपल ऑटिक है जी, बिल्कुल जी सिंपल ऑटिक है, इसमें सेफ्टी पैक भी है, ऑटिक स्पोर्ट्स भी है और हाईवे स्टार भी है इसमें। तो ऑटिक की जो ड्यूटी है हमारे पास, मैं चेक कर लेता हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसकी ड्यूटी है हमारे पास 35,28,000। इसकी कैलकुलेशन मैं कर दूँ थोड़ा सा, गाड़ी बाकी ओके है लेकिन मसला सिर्फ स्क्रैचेस का है, 17,58,000 की गाड़ी उठी है, प्लस 240 रेट मल्टीप्लाई 1.96, ड्यूटी मैंने बताई जी, ड्यूटी मैंने बताई 35,50,000 कर दें, जमा 150 कर दें, जमा 200 मैंने क्या कहा था 370 जी, तो तकरीबन 80 लाख के लगभग ये वाली कॉस्ट कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक छोटी सी गाड़ी के लिए, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है इसमें कि पिक बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, काफ़ी लोगों से मैंने इसकी तारीफ सुनी है, तो ये 3.5 ग्रेड की है, काफ़ी अच्छे रेट में गई है। मसला क्या है जी, एक इसमें डेंट है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये फुटपैड का जो एरिया है इसमें बहुत बड़ा गहरा डेंट है, कोई घर के लेता है तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ये ले सकता है, इसको रिपेयर भी कर सकता है, टचिंग भी नहीं है इसमें, यहाँ पे AU3 यहाँ पे ये जगह आपको नजर आ, नोट के ऊपर जो मोनोग्राम जो लगा हुआ है, एम्बलम जो लगा हुआ है, लाइट के नीचे वाला एरिया इधर बहुत बड़ा गहरा डेंट है, इंटीरियर भी सही है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ बाहर के जो बॉडी में मसला है। 13,51,000 में थोड़ा सा चेसिस चेक कर दूँ, क्योंकि मुझे शक पड़ रहा है कि ये चेसिस भी 2020 मॉडल का है। फाइंड करते हैं जी, यहाँ से नहीं निकला, कंट्रोल आल कर दें, कंट्रोल सी कर दें, इधर आए जी ओलियक पे, आप चेक कर लें, बैक कर दें और यहाँ पे ये कर दें, 21 मॉडल ये जी, चेक करें जी, 13,51,000 तो बहुत अच्छा रेट है, और ये कहाँ पे गई सीट, अच्छा जी 13,51,000 की गाड़ी गई है, कब जी, 8 अगस्त को ये गाड़ी बिकी है, तो 13,51,000 जमा 240 मल्टीप्लाई 1.96, ड्यूटी मैंने बताई जी तकरीबन 33 लाख के लगभग, तो 33.5 कर दें चले, और जमा 150 कर दें, जमा पीआरसी 370 कर दें, तकरीबन 70 लाख के लगभग ये वाली गाड़ी आपको कॉस्ट करेगी। अभी आते हैं कोई और ऐसी गाड़ी, 1634 कलर ठीक नहीं है, छोड़ दे जी, अच्छा जी ये वाली कौन सी है, ये तो वही न्यू शेप है, गाड़ी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं खोली हुई थी, तो तकरीबन आप रेंज ले सकते हैं, अगर आपको एक्स चाहिए तो 71-72 से लेके 75 के बीच में या 76 तक आप जा सकते हैं कि आपको ये अभी कॉस्ट करेगी। डैमेज का मैं देख लेता हूँ कि डैमेज कंडीशन में आर ग्रेड में हमें कितने की मिलेगी, ये 99 कर दें, नो क्लेम की गाड़ी, एक्स कर दें डैमेज, आर ए कर दें और इधर ये आर की कर दें, ट्रिपल स्टार की कोई सामने नहीं आई। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी आर ग्रेड की हैं, 13,24,000 चलो इसकी तो मैंने कैलकुलेशन कर ली, ये गई है फिक्स ऑप्शन की गाड़ी, इसको बोल लेते हैं, ये 8,61,000 ये एस पैकेज है, इसको भी कम कर लेते हैं कि सबसे सस्ती इसमें कौन सी गई है, तो ये जो नज़दीक गई हैं ये चेक कर लेते हैं अलॉयज़ इसमें। एक साइड अगर आप देखें इंजन बिल्कुल ओके है, साइड से हिट हुई गाड़ी है, रिपेयर हुई गाड़ी है, 3 पीसेस टचअप हैं इसमें, और ये गई है 13,24,000, तो वो तो मैंने कॉस्टिंग ऑलरेडी इसके बाद तकरीबन 70 तक ही कॉस्ट करेगी, क्योंकि 13 लाख रुपये वाली तो ऑलरेडी मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ। इसमें क्या मसला है जी, इसमें 2-3 पीस टचअप हैं, एक रिप्लेस भी है, तो ये 12,55,000 में गई है, एक्स है, इससे पहले इसकी मैं कर लेता हूँ एस की, 8,61,000 की गई है, इसमें भी 3 पीसेस टच है और एस पैकेज है, बेस वेरिएंट है और चेसिस भी ठीक है, 21 मॉडल ही है, तो 8,61,000 की ये गाड़ी गई है, और 8,61,000 जमा 240 मल्टीप्लाई 1.96, ड्यूटी जी क्या है इसकी, तो ड्यूटी एस पैकेज की यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, एस पैकेज की ड्यूटी, अच्छा जी ये ड्यूटी जो है मैं एक्स की जो बता रहा था 233 नहीं है, यहाँ पे 24,20,000 है,
और 33,77,000 जो ड्यूटी है वो एस पे की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेस वेरिएंट एक्स ही है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ इसके सामने। एक मिनट जी, यहाँ पे मैं दोबारा सा कंफर्म कर दूँ, इंसान सिरना मेल में लगा हुआ हूँ जी। अच्छा जी सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1,00,000 रुपये ड्यूटी ज़्यादा बता रहा था, असल में वो सिरना की ड्यूटी है। एस की जो ड्यूटी है वो है तकरीबन 32,00,000 रुपये, और एक्स की जो ड्यूटी है वो तकरीबन 32.5 है, और इसके अलावा ऑटेक की जो ड्यूटी है वो 32,00,000 तकरीबन, इसमें 2-2,00,000 रुपये एक्स्ट्रा वो चार्ज होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है, तकरीबन इतनी कॉस्टिंग आएगी। एस की मैं सही कर लेता हूँ, एक्स की जो ड्यूटी है तकरीबन 32,00,000, तो 32,00,000 ड्यूटी के डाल दें, जमा 150 कर दें, प्लस इसमें फर्दर जो है पेमेंट रहती है 240 कर दें, 370 ये ड्यूटी के PRC के, तकरीबन 59 लैक्स की अभी भी ये कॉस्ट कर रही है। दोबारा मैं कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, 861 बिट प्राइस कम है, इस वजह से कॉस्टिंग कम आ रही है, 240 × 1.96 ड्यूटी 32,00,000 जमा 150 PRC 370, तो तकरीबन 59 लैक्स की आपको एस अभी भी कॉस्ट कर सकती है। इससे पहले काफ़ी अच्छी कॉस्टिंग आ रही थी, तकरीबन 12-13 लाख रुपये का डिफरेंस जो है निशान नोट में आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कर लिए हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।